टुडे विल बी डूइंग केस टू लूप इनफाइनाइट। सबसे पहली चीज क्वेश्चन क्या कहता है कि वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम जिसमें हमें क्या करना है भाई, मार्क्स इनपुट करने हैं। ऑल द मार्क्स मस्ट बी इन रेंज ऑफ 1 to 100। चाहिए सारे के सारे मार्क्स क्या होने चाहिए, 1 से 100 तक की रेंज में होने चाहिए। इफ मार्क्स आर वैलिड देन कैलकुलेट सम। वैलिड का मतलब है कि भाई अगर इस रेंज के अंदर है तो सम कैलकुलेट करो, और अगर नहीं है तो रिजेक्टेड नंबर्स को कैलकुलेट करो। इनपुट ऑफ -1 विल स्टॉप द प्रोसेस एंड विल प्रिंट टोटल एंड नंबर ऑफ रिजेक्टेड वैल्यूज। ठीक है, क्या प्रिंट करेगा भाई? टोटल और साथ ही साथ रिजेक्टेड वैल्यूज, अगर हमारा इनपुट क्या हो, -1 हो। देन वी हैव टू प्रिंट टोटल एंड रिजेक्टेड वैल्यूज। रेंज वी हैव 1 to 100, अगर वैलिड है तो कैलकुलेट करेंगे सम, नहीं तो फिर रिजेक्टेड नंबर्स। चलो इसका जल्दी से एक प्रोग्राम कोड लिखते हैं। आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले इसका प्रोग्राम कोड तुम लिखो, फिर उसके बाद उसको सेंड कर दो व्हाट्सएप पे, फिर मैं इसको लिखूँ। चलो अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। लूप इनफाइनाइट का सवाल है तो ये आइदर वाइल लूप से होगा या फिर रिपीटेंट लूप से होगा। तो डिक्लेरेशन के लिए एक लाइन में छोड़ रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा भाई इनिशियलाइज करवाना है किस किस चीजों को, रिजेक्टेड नंबर को। रिजेक्टेड नंबर को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एस आर एन, इनिशियलाइज्ड विद 0। सम इनिशियलाइज्ड विद 0। फिर उसके बाद हमने कहा भाई काउंट इनिशियलाइज्ड विद 0। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है भाई, रिजेक्टेड वैल्यू हो गई, सम हो गया। हाँ तो बस ये दो चीज। अब मैंने कहा भाई लूप स्टार्ट करते हैं रिपीट। इनपुट एंटर वैल्यू वैल्यू किधर जाकर स्टोर होगा भाई, नम पे। ठीक है, बल्कि इसको एन कर लेते। फिर उसके बाद हमने कहा इफ, बल्कि मार्क्स स्टोर कर रहे हैं ना, तो इसको मार्क्स कर लेते। एंटर मार्क्स इफ एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, पहली कंडीशन। एंड एम इज लेस देन इक्वल टू 100। तो हमने कहा भाई क्या करेंगे देन, सम इक्वल्स टू सम प्लस मार्क्स। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता, else reject equals to reject plus 1। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा भाई इधर आ जाता है हमारा एंड इफ। इफ कंडीशन इधर हमारे पास एंड हो गई है। काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। अच्छा, फिर कंडीशन हमें क्या लगानी है? कंडीशन हमारे पास लगेगी कि भाई जब तक मार्क्स हमारे पास -1 नहीं आ जाता। कंडीशन क्या लगेगी? जब तक मार्क्स हमारे पास -1 नहीं आ जाता। सो इसको हम करेंगे अंटिल। मार्क्स इज इक्वल्स टू -1। तो ये लूप चलता रहेगा जब तक मार्क्स -1 के इक्वल हमारे पास नहीं आते। अच्छा, फिर हमें आउटपुट करना है, इधर आउटपुट कर लेंगे। आउटपुट टोटल मार्क्स आर
कहां पर स्टोर किया था भाई? सम में। आउटपुट रिजेक्टेड नंबर्स। आर आर एन। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का हमारा लूप इनफाइनाइट है। ठीक है जी, इधर मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ सम आर एन काउंट और मार्क्स, तीन चीज, चार चीज सब आएंगी एस इंटीजर। ठीक है, तो इस टाइप के हमारे पास लूप इनफाइनाइट के सवाल आते हैं। ठीक है भाई। चलो, सो अभी हमने क्या करना है भाई, केस टू बी लास्ट केस ऑफ अवर फ्लो चार्ट इन विच वी हैव टू कन्वर्ट अ फ्लो चार्ट इनटू सूडो कोड। ठीक है, मई जून 24 इस साल का पेपर नंबर 22 का सवाल है ये। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ क्या है, एक कंप्लीट फ्लो चार्ट दिया हुआ है और इस फ्लो चार्ट को देखते हुए हमें क्या लिखना है भाई, सूडो कोड लिखना है इस एल्गोरिथम का। ठीक है, सो अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगा ये कि भाई सबसे पहली चीज हमने क्या किया, हमने यहाँ पर फ्लो चार्ट को रीड करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज हमने फ्लो चार्ट को क्या करना है, रीड करना है। और हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई कहाँ पर हमारे पास लूप लगेगा और कौन सा लूप लगेगा। ठीक है, फॉर लूप लगेगा, व्हाइल लूप लगेगा, कौन सा लगेगा, कहाँ पर हमारे पास इफ स्टेटमेंट्स लगेगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। इस फ्लो चार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, इसको सूडो कोड में लिखने की जरूरत हमें नहीं होती। स्टार्ट होते साथ हमारे पास एक यहाँ पर कॉल बॉक्स दिया हुआ है विच सेज सेट फ्लैग टू गेट स्टेट। ठीक है, यानी फ्लैग के अंदर मुझे क्या चीज इनिशियलाइज करनी है, गेट स्टेट। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का कोड आएगा, जैसे हम इनिशियलाइज करते हैं फ्लैग में हमने क्या चीज रखी, गेट स्टेट। ठीक है, तो इस तरीके का कोड आएगा हमारे पास कहाँ पर, इसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, इस फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू। ये किस टाइप का सवाल है भाई, ये किस टाइप की कंडीशन है हमारे पास, ये एक लूप की कंडीशन है। अगर तो ये यस होती है तो हमारे पास एंड हो रहा है, अगर ये नो होती है तो हमारे पास क्या हो रहा है भाई, फोर इक्वल्स टू वन। ठीक है, अच्छा इसको हमें समझना है कि भाई ये यहाँ पर कौन सा लूप लग रहा है। यहाँ पर हमारे पास लूप लग रहा है भाई वाइल। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कौन सा लूप लग रहा है, वाइल लूप लग रहा है। तो मैंने कहा कि भाई वाइल लूप किस तरीके से चलता है, वाइल लूप रन होता है अगर हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है। तो वाइल लूप क्या होता है भाई, रन होता है अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो ये क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है भाई, बिल्कुल बेसिक चीज। अच्छा, अब पता कैसे चल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास लूप लग रहा है, यहाँ पर मुझे इस तरीके से पता चला कि इधर हमारे पास लूप लग रहा है कि भाई ये यहाँ से जाके डायरेक्टली क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो यानी हमारे पास कोई लूप जो होता है उसी के अंदर हम क्या चीज लगाते हैं, एक टर्मिनेटिंग कंडीशन लगा रहे होते हैं। ठीक है, लूप के अंदर हमारे पास क्या चीज लगती है भाई, एक टर्मिनेटिंग कंडीशन लगती है। मैंने कहा कि भाई यहाँ पर मेरे पास टर्मिनेटिंग कंडीशन वाला जो लूप है वो कौन से होते हैं, वो दो लूप होते हैं जो कंडीशन बेस्ड होते हैं, एक होता है वाइल और एक होता है रिपीट। मैंने कहा मैं किससे काम करूंगा, वाइल लूप से काम करूंगा। फॉर लूप यहाँ पर नहीं लग सकता, क्यों, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर काउंट की वैल्यू मुझे नहीं दी। जैसे फॉर लूप अगर हम लगाते हैं तो एक फिक्स्ड काउंट दिया जाता है 1 से लेकर 3 तक, इस तरीके से। तो मुझे ऐसा कोई काउंट नहीं दिया, मुझे एक कंडीशन दी हुई है, अगर तो ट्रू होगी तो बंद हो जाएगा, अगर फॉल्स हो जाएगी तो चलेगा। ठीक है भाई, मैंने कहा कि भाई वाइल लूप में ऐसा नहीं होता। वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप के अंदर हमारे पास अगर तो कंडीशन ट्रू है तो रन करता है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या हो जाता है भाई, स्टॉप हो जाता है।
इस चीज को देखते हुए अगर हम इस कंडीशन को देखें तो भाई ये तो ट्रू होते ही क्या हो रही है, एंड हो रही है, यानी यहाँ पर स्टॉप हो रहा है और फॉल्स होने पर रन कर रहा है। मैं इस कंडीशन को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं इस कंडीशन का जो ऑपरेटर है उस ऑपरेटर को मैं चेंज कर दूँ। ठीक है, इसका जो ऑपरेटर है मैं उसको क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई अगर मैं इसका ऑपरेटर इक्वल्स टू से चेंज करके नॉट इक्वल्स टू कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसका ऑपरेटर इक्वल्स टू से चेंज करके नॉट इक्वल्स टू कर देता हूं लाइक दिस, फ्लैग इज नॉट इक्वल्स टू ट्रू, तो क्या होगा? तो हमारे पास ये होगा कि भाई अगर तो फ्लैग के अंदर फॉल्स आते, फॉल्स इज नॉट इक्वल्स टू ट्रू, ऐसा ही है। जी सर। इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा ना भाई। देखो क्या फॉल्स टू के इक्वल है, येस और नो करके बता दो। नो, ठीक है, तो ये यहां से कहाँ चला जाएगा, नीचे वाले काम पे चला जाएगा, सही है। सही है। क्या यहाँ पर ट्रू नॉट इक्वल टू ट्रू है? बल्कि नहीं, एक सेकंड, उल्टा बोल दिया हम लोग। क्या फॉल्स नॉट इक्वल टू ट्रू है, यस और नो? यस। यस, ठीक है, सो फॉल्स इज नॉट इक्वल टू ट्रू। तो क्या इसके ऊपर लूप रन करेगा, व्हाइल लूप? कंडीशन क्या हो गई हमारी, ट्रू हो गई है, या फिर हम कह सकते हैं येस हो गई है। इस बेसिस पर हमारा जो व्हाइल लूप है वो क्या करेगा, रन करेगा, ठीक है, विच मीन्स ये वाला काम होगा। और अगर तो यहां पर ट्रू आ जाता है, ट्रू इज नॉट इक्वल्स टू ट्रू, तो ये कंडीशन क्या हो गई है हमारी, फॉल्स हो गई है, विच मीन्स कि हमारा लूप क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये इधर से जाकर हमारा जो लूप है वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक भी सही मसला? है। नहीं सर। ठीक है, तो मैंने कहा भाई मैं ना इस कंडीशन के बजाय ये वाली कंडीशन लगाऊंगा ताकि व्हाइल लूप मेरा सही से फंक्शन कर सके। ठीक है, सो मैंने कहा कि भाई जब मैं ये वाली कंडीशन लगा रहा हूँ, तो अगर तो ये फॉल्स आ गया, फॉल्स इज नॉट इक्वल टू ट्रू, तो यहाँ से नीचे जाएगा, सेट 4 to 1 इज 4 इक्वल्स टू 4, तो क्या तुम्हें ये कुछ जानी पहचानी चीज नजर आ रही है? लास्ट केस अगर हम रिवाइज करें तो भाई लास्ट केस के अंदर भी हमारे पास कुछ ऐसी ही चीज थी जिसको हमने कुछ इस तरीके से लिखा था कि हम एन के अंदर इनिशियलाइज कर रहे हैं 1, और फिर उसके बाद कंडीशन लग रही है इज एन इक्वल्स टू 10। कुछ याद आया? जी सर। ठीक है, तो भाई ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक फॉर लूप लग रहा है। ठीक है, ये क्या लग रहा है भाई, हमारे पास एक फॉर लूप लग रहा है जहां पे पोर्ट को 1 से इनिशियलाइज किया जा रहा है स्टार्टिंग में, और पोर्ट इक्वल्स टू 4 तक की कंडीशन को चेक किया जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, अब मुझे देखना है कि भाई जब मैं फॉर लूप लिखूंगा ना, तो मैं फॉर लूप इस तरीके से नहीं लिख सकता, फॉर काउंट 1 to 4, अगर मैंने ये लिखा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि ये लूप कितनी दफा रन हो रहा है। फॉर लूप क्या करता है, फॉर लूप के अंदर हम वो वैल्यू लिखते हैं एंड पर जितनी दफा हमें लूप को रन करना हो। अगर हम इस लूप को देखें तो भाई ये कितनी दफा रन हो रहा है, पोर्ट में 1 है, 1 इक्वल्स टू 4, नो गया, ये एक दफा रन हुआ। ठीक है, अपडेट हो चुका है यहाँ पर, 2 हो गया, क्या 2 इक्वल्स टू 4 है? नो, दूसरी दफा लूप चला, फिर अपडेट हुआ, 3 3 इक्वल्स टू 4, नो, तीसरी दफा लूप चला। ठीक है, कितनी दफा लूप चला, 3 दफा। अपडेट हो गया दोबारा से,
क्या 4 = 4 है? यस। तो अब यहाँ पर लूप नहीं चला, ठीक है? तो लूप कितनी दफा चल रहा है भाई हमारे पास? 3 टाइम्स। तो हमें फॉर लूप का जो हेडर लिखना होगा वो किस तरीके से हम लिखेंगे? वी विल राइट फॉर कोर्ट 1, 2, 3, तो यानी 1 से लेके 3 तक चलेगा। यहां तक कोई मसला? नहीं सर। देखो फॉर लूप किस तरीके से चलता है। फॉर लूप के अंदर हमारे पास एक फिक्स्ड आइटरेशन होती है, यहाँ पर हमारे पास एक फिक्स्ड आइटरेशन है, ठीक जी है? दूसरी चीज कि अगर इफ कंडीशन होती तो वो कोर्ट को आगे बार बार इंक्रीमेंट नहीं करती, ठीक है? फिर उसके बाद क्या है भाई, यहाँ पर एक ही काम कितनी दफा हो रहा है? बार बार हो रहा है। इफ कंडीशन में क्या होता है, एक काम एक दफा होता है, लेकिन अगर तुम इधर देखो तो भाई ये एक काम यानी कॉल रीसेट कोड ये कितनी दफा हो रहा है? 3 दफा हो रहा है। तो दिस इज अ साइन ऑफ अ लूप। और यहाँ पर साथ ही साथ मुझे पहले से ही बता दिया है, एक फिक्स आइट्रेशन दे दी है, सो इट इज अ फॉर लूप। वो हमारे पास डिपेंड करता है, वो फॉर लूप थे, ठीक है? वो हमारे पास वाइल लूप में भी थे। तो सर इसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि ये कौन सा लूप है? सही है। ठीक है, बस लूप को आइडेंटिफाई करना आसान काम है कि भाई एक ही चीज बार बार हो। कॉल रीसेट पोर्ट कितनी दफा हो रहा है? जब जब हमारे पास पोर्ट की वैल्यू चेंज हो रही है तो ये काम बार बार हो रहा है। इट मींस कि भाई ये क्या है हमारे पास, एक लूप है, ठीक है? या फिर तुम इसको इस तरीके से देखो कि भाई ये हमारे पास क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, एक लूप बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि बार बार चल रहा है। ठीक है समझ गए? सर जी। अब इसका सूडो कोड देख लो। सूडो कोड में क्या है भाई, सबसे पहला काम फ्लो में काम करना है। सबसे पहला काम क्या है भाई, फ्लैग को सेट किया। तो हमने क्या किया भाई, इधर फ्लैग को सेट कर दिया। फिर उसके बाद वाइल लूप की कंडीशन हमने यहाँ पर निकाली थी, यही कंडीशन वाइल लूप में डाल दी। वाइल फ्लैग इज नॉट इक्वल्स टू ट्रू, डू फॉर पोर्ट 1, 2, 3। सही है, अभी समझाया कि भाई पोर्ट 1, 2, 3 क्यों चलेगा। पोर्ट 1, 2, 3 में क्या काम करवाना है भाई, कॉल करना है रीसेट पोर्ट। कॉल कर दिया भाई क्या, रीसेट पोर्ट, ठीक है? फिर उसके बाद क्या है भाई, नेक्स्ट पोर्ट। क्यों? क्योंकि फॉर लूप चला रहे हैं ना, तो ये चीज शो करना जरूरी नहीं है। तो मैंने कहा भाई नेक्स्ट पोर्ट, फॉर लूप को यहाँ पे क्लोज किया। फिर क्या हो रहा है, अगर हमारे पास ये 1 से 3 तक चल गया है, ठीक है, वो वैल्यू क्या हो गई है भाई, 4 हो गई। ये वापस ऊपर जा रहा है और किसको कॉल कर रहा है, सेट फ्लैग टू गेट स्टेट। हमने कहा भाई ये यहाँ से क्या हो रहा है, फ्लैग टू गेट स्टेट दोबारा से कॉल हो रहा है। सही है, फ्लैग गेट स्टेट क्या हो रहा है, दोबारा से कॉल हो रहा है। और फिर ये वाइल वाला लूप हमारे पास क्या हो रहा है, एंड वाइल। कैसे पता एंड वाइल हो रहा है कि भाई इधर से चेक होगा और फिर इधर एंड भी करवाना है, ठीक है भाई? तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, एक लूप कंप्लीट चल रहा है। सही है, एंड हो रहा है। एंड का मतलब क्या हो गया कि भाई ये जो वाइल लूप हमारा स्टार्ट हुआ था, ये जो पूरा वाइल लूप चल रहा था, ये क्या हो रहा है अब इधर खत्म हो रहा है, तो एंड वाइल कर देंगे, ठीक है? अच्छा, दिस इज ऑल्सो नोन एज नेस्टेड लूप, ठीक है भाई? यही चीज कहलाती है हमारे पास क्या, नेस्टेड लूप। तो इस नेस्टेड लूप के अंदर क्या काम है भाई हमारे पास, एक कंप्लीट वाइल लूप है, इस वाइल लूप के अंदर एक फॉर लूप चल रहा है। कोई भी न्यू चीज नहीं है इसके अंदर, जैसे काम होता है लूप्स में वैसे ही होगा। बस एक लूप के अंदर हमारे पास क्या है, दूसरा लूप। यहां तक कोई मसला? ठीक, नहीं सर। दिस वॉज अवर केस नंबर 2B विच वॉज रिलेटेड टू फ्लो चार्ट टू सुडोकोड।
इसका एक और क्वेश्चन हमने करना है, ये हम अगली क्लास में करेंगे, थोड़ा सर बड़ा क्वेश्चन है।